हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं वो बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने और इस बुक का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 और यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 2 की। अब जो बिन्या होती है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है उस नीले छाते को लेकर, और तो और वो ना हमेशा उस छाते को घर में खुला ही रखती थी और वो घर के एक कोने के कमरे में ना हमेशा खुला रहता था। और जो बिज्जू उसका भाई था ना, वो उसको बहुत बार कहता था, अरे यार ये बंद कर ले, मैं आ रहा जा रहा हूँ, मेरे रास्ते में लग रहा है। लेकिन वो ना कुछ नहीं सुनती थी। बिज्जू उसको बंद करके छाते को रख देता था। उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही उसका ध्यान हटता था ना बिज्जू का, बिन्या उसको फिर से दोबारा से खोल के रख देती थी, क्योंकि ना वो कहती थी कि ये बंद करके छाता ना अच्छा ही लगता है, ये हमेशा खुला ही अच्छा लगता है। और अब बिन्या ना हमेशा उसको अपने साथ ही रखती थी। फिर वो गायों को घुमाने लेके जाती हो, पानी भरने जाती हो या दूध लेने जाती हो पास की शॉप पे, वो हमेशा ना उसको खुला ही रखती थी। अब होता क्या था ना, जब भी वो पहाड़ों से आती थी ना, क्योंकि अब जब भी वो पहाड़ से आती थी ना, तो हमेशा अपना वो अम्ब्रेला साथ लेके घूमती थी। तो वो ना पहाड़ से जब आ रही होती थी तो अलग ही दिखती थी पूरे सब जगह, क्योंकि जो उसका छाता था ना वो इतना रिफ्लेक्ट करता था कि उसको लोग अलग ही पहचान लेते थे। अब जो ओल्ड राम भरोसे था ना, उसकी एक दुकान हुआ करती थी चाय की टिहरी रोड पर, और वो रोड ना काफ़ी गंदी थी और मतलब ऐसी टूटी टाटी सी रोड थी। अब एक दिन क्या होता है ना, टिहरी रोड पे ना हमेशा बस आके रुका करती थी, और उस बस से ना पैसेंजर्स आके उतरते थे तो कुछ चाय वाय पी लेते थे, दही वगैरह खा लेते थे। और तो और जो राम भरोसे था ना, उसने कुछ कोका कोला की बोतलें भी रखी थी, भले ही वो बोतलें ठंडी नहीं गर्म हो जाती थी, क्योंकि भाई गर्मी होती थी तो इसलिए वो रखने का कोई फ़ायदा तो था नहीं, लेकिन उसने फिर भी रखी थी। और वो क्या करता था ना, कुछ टॉफ़ी वगैरह भी रख लेता था, मिठाइयाँ भी। और जब भी बिन्या और बिज्जू को ना कुछ पैसे मिलते थे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे की वो खर्च कर सके, तो वो इसी शॉप पे आते थे, ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर थी उनके गांव से, और यहीं पे आके ना टॉफ़ी वॉफी खा लिया करते थे। अब जो राम भरोसे था ना, जब वो देखता है कि भाई बिन्या के पास तो एक नीले कलर का छाता है, और वो पूछता है बिन्या से, बिन्या ये तुम छाता कहाँ से लाई। अब जो बिन्या होती है ना, वो छाते को गोल घुमाती है और राम भरोसे की तरफ देख के ना मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो ना जो बिन्या थी वो हमेशा खुश रहा करती थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कोई सामने वाला दुखी है, लेकिन वो ना बस स्माइल करती थी हमेशा अच्छे से। अब जो राम भरोसे होता है ना, वो कहता है ये तो किसी औरत का अम्ब्रेला मालूम पड़ता है, और ये तो मेम साहब का अम्ब्रेला है, तुम्हें कहाँ से मिला। अब जो बिन्या होती है ना, वो कहती है ना मैंने इसको बदल लिया अपने नेकलेस के बदले। अब जो राम भरोसे होता है ना, वो कहता है कि तुमने अपने नेकलेस से बदल लिया, वो तो बहुत लकी था तुम्हारे लिए। अब जो बिन्या होती है ना, वो अपना सर हिलाती है। अब जो राम भरोसे होता है ना, वो कहता है तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है ये बताओ, यहाँ तो इतनी गर्मी भी नहीं होती ना इतनी बरसात होती है, और ये तो ना अमीरों जो अमीर औरतें होती हैं उनके लिए है, वो इसके साथ खेलेंगी, तुम क्या कर रही हो। अब जो बिन्या होती है ना, वो अपना सर हिलाती है, राम भरोसे को फिर से स्माइल दे देती है, और जो राम भरोसे होता है ना वो सही होता है, क्योंकि भाई ये एक ऐसी महंगी चीज़ है जो उसके साथ बिन्या क्या करेगी। लेकिन जो बिन्या थी ना, उसको तो प्यार हो गया था इस छाते से। अब जो राम भरोसे होता है ना, वो कहता है मेरे पास ना एक तरकीब है कि तुम्हारे तो ये किसी काम का है नहीं छाता, तो तुम ना इसको एक काम करो, मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 5 रुपये दे देता हूँ उसके बदले। अब जो बिन्या होती है ना, वो कहती है ये तो 15 रुपये का है। जो राम भरोसे होता है ना, वो कहता है चल कोई बात नहीं, ठीक है फिर मैं ना तुम्हें 10 रुपये दे देता हूँ। अब जो बिन्या होती है ना, वो हंसती है, अपना मुंडी हिलाती है कि नहीं भैया मुझे नहीं बेचना। अब जो राम भरोसे होता है ना, वो कहता है 12 रुपये कैसे रहेंगे। लेकिन भैया जो बिन्या होती है ना, वो कुछ नहीं कहती, वो 5 पैसे उसके हाथ पे रखती है और अपनी टॉफ़ी लेती है और वहाँ से ना जाने लगती है। और जो राम भरोसे होता है ना, उसको ये लगता है कि यार ये मेरी बात क्यों नहीं मान रही है। और राम भरोसे ना गुस्से में अपना दराज खोलता है, जो टॉफ़ी होता है वो निकालता है, उसके हाथ पे रख देता है। और जैसे जैसे बिन्या जा रही होती है ना उस गंदी सी रोड पे, वैसे वैसे ना सब लोग हर उसको देखता रहता है वो। और जो ब्लू कलर का छाता होता है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, सब कोई हर कोई उसे देख रहा होता है। और पूरे गाँव में जो भी बस से लोग उतरते थे ना, तो मार्केट में वही रोड थी सिर्फ एक, और जब जितने लोग थे ना, सब बस उसी छाते को देख रहे थे और बिन्या को जाते हुए देख रहे थे। अब जब बिन्या जा रही होती है ना, तो जाते थे वो क्या करती है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपना ना छाता खुला रख के ना, अपने सामने खुले रख के उसको देख रही होती है अपने हाथों से कि भाई कैसा लग रहा है मेरा छाता, जैसे कि ये फोटो में देख रहे हैं हम, ऐसे करके देख रही होती है, बैठी होती है यहाँ पे पेड़ के नीचे छाते को बगल में रख के। अब ना बिन्या को पता ही नहीं चलता कि कब उसको नींद आ गई, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, गर्मियों का टाइम होता है, तो नींद और पहाड़ में मौसम भी थोड़ा ठंडा रहता है, तो वो बैठे बैठे ना वहाँ पर सो जाती है। अब जब वो सो रही होती है ना, तो हल्की हल्की हवा चल के ना उसके साथ खेलने की आज पूरी तैयारी में थे, जो पेड़ होते हैं ना वो भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं हवा को। अब जैसे से ना पहाड़ों में हवा चल रही होती है, जो पेड़ होते हैं ना वो भी काफ़ी मतलब जीवित हो जाते हैं, उनमें भी हवा चलने लगती है, पत्तियाँ लहर रही होती हैं। और इतने में क्या होता है ना, हल्की हल्की जो हवा होती है वो बिन्या के चेहरे पे भी लग रही होती है, जो अम्ब्रेला होता है ना, जो छाता होता है, वो उसे दूर जाने लगता है, वो बाद थोड़ी आगे जाके ना ग्रास में गिर जाता है, घास में। और जैसे जैसे हवा हवा तेज़ हो रही होती है, जो छाता होता है ना वो उससे और दूर जा रहा होता है, हल्के हल्के दूर जा रहा होता है।
और जो अम्ब्रेला होता है ना वो लगभग 6 फीट की दूरी पर जा चुका होता, लेकिन अभी भी बिन्या सोई रही थी, उसको पता ही नहीं था कि हुआ क्या। अब जैसी बिन्या की आँख खुलती है ना, वो दिखती है कि मेरा छाता कहाँ है। वो जैसी खड़ों के दिखते हैं तो उसका छाता उससे दूर होता है, जो कि हवा के साथ बह रहा होता है। लेकिन जो आज हवा होती है ना, वो आज उसे खेलने के मूड में होती है। अब जो बिन्या होती है ना, वो जैसी छाते की तरफ जाती है, जो हवा होती है ना, उस छाते को और उससे दूर कर देता है, क्योंकि वो छाता खुला हुआ होता है। अब वो छाता ना उससे दूर जा रहा होता है, बिन्या होती है बहुत तेज़ी से भाग रही होती है, क्योंकि उसको पता है कि भाई आगे जाके ना जो पहाड़ी है वो ख़त्म हो रही है, तो खाई है नीचे, उसका छाता वहाँ गिर जाएगा। तो बिन्या ना क्या करती है, बड़ी तेज़ी से भागती है। लेकिन जितनी तेज़ी से बिन्या भाग रही होती है ना, उससे ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है, और उसके छाते को ना बिल्कुल एक पहाड़ी के कोने पर ला के रख देता है। और जैसे ही उसके पास जाने वाली होती है ना, वो जो छाता होता है ना, वो नीचे गिर जाता है, उसकी आंखों से ओझल हो जाता है वो छाता। अब जो बिन्या होती है ना, वो भागते हुए आके देखती है कि भाई पहाड़ की चोटी के किनारे पे, कि मतलब कहाँ गया मेरा छाता। और जब वो नीचे देखती है ना, तो लगभग 100 फीट गहरे पे ना जो उसका छाता होता है वो फंस चुका होता है एक पेड़ में, ठीक है, चेरी के पेड़ में फंस चुका होता है। अब उसको ये लगता है कि यार ये मेरा छाता नीचे चला गया। उसको पता है कि अगर उसने अभी छाते को जल्दी से वहाँ से नहीं निकाला ना, तो छाता और ज़्यादा नीचे चला जाएगा और फिर शायद उसको छाता मिले भी नहीं। अब जो बिन्या होती है ना, वो जो अजनबी लोग होते हैं उनके सामने तो बड़ी डरपोक सी रहती है, लेकिन जब बात उसके घर की आती है और पहाड़ों की आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होती है। अब जो बिन्या है ना, वो नंगे पैर पहाड़ की चोटी से ना नीचे आना शुरू करती है, जहाँ उसका छाता गिर गया था, और वो ना पहाड़ की तरफ ही देख रही थी, और तो हल्के 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 वो जा रही होती, क्योंकि उसको पता है भाई उसको अपने पैर ना बहुत सोच समझ के रखने, क्योंकि अगर हल्की सी भी वो इधर उधर हुई तो सीधे नीचे जाके गिरेगी। और तो और वो ना एक जो पेड़ होता है बिलबरी का बुशेस है ना, उसी के पेड़ को पकड़ पकड़ के नीचे उतर रही थी, क्योंकि उसे पता है जो बाकी के पेड़ होंगे ना वो बहुत इजीली उखड़ भी सकते हैं, इससे अच्छा वो गिर जाए, तो इसलिए बहुत समझ समझ के अपने कदम रख रही थी। अब जैसे जैसे बिन्या उतर रही थी ना, उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि कोई भी ना पत्थर ऐसा ना हो कि गिर जाए, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा अगर एक भी पत्थर गिरना शुरू हुआ ना, तो इसके बाद एक के बाद इतने पत्थर गिरेंगे कि पूरी लैंडस्लाइड हो जाएगी, और बिन्या वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, तो इसलिए ना बहुत अपने कदम फूंक फूंक के रख रही थी वो। और जैसे जैसे ना जो पहाड़ में बकरियां नहीं होती, ऐसे कोने पे चल रही होती हैं, वो वैसे वैसे चल रही होती है, और लगभग उसको 5 मिनट लगते हैं उस पेड़ तक पहुँचने के लिए, हल्के के नीचे जाने लगती है। अब जो सबसे मुश्किल टास्क था ना, वो ये था कि वो उस पेड़ पे कैसे चले, क्योंकि जो अम्ब्रेला था वो नीचे गिरा था और पेड़ में अटक गया था। अब उसको ना उस पेड़ पे चढ़ना था, और बिल्कुल सही तरीके से चढ़ना था, ताकि वो खुद भी नीचे ना गिर जाए और जो छाता है वो और नीचे ना चले जाए। अब जो बिन्या थी ना, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता था पेड़ों पे चढ़ने के लिए, इनफैक्ट वो तो बहुत खुश थी कि वो पेड़ों पे बहुत जल्दी चढ़ जाती है, और तो जो उसका भाई बिज्जू था ना, वो भी बहुत जल्दी पेड़ों पे चढ़ जाया करता था। अब जो बिन्या होती है ना, वो अपने पैरों से ग्रिप बनाती है और हल्के हल्के ना पेड़ों पे चढ़ना शुरू कर देती है, और वो ना ऊपर चढ़ती रहती है, क्योंकि उसको छाता होता है ना वो सबसे ऊपर होता है। और जब वो सबसे ऊपर जाने लगती है ना, तो देखती है जो उसका छाता होता है ना, वो कई जगह से ना थोड़ा थोड़ा फट चुका होता है, क्योंकि वो ऊपर से गिरा होता है, झाड़ियों वाड़ियों में फंसा होगा। और जब वो नीचे देखती है ना, तो उसको डर भी लगता है। अब जब वो ऊपर चढ़ के देखती है ना नीचे को, तो उसको बड़ा डर लगता है, क्योंकि लगभग 80 फीट नीचे देखते ही ना एक नदी चल रही होती है, जो कि बहुत तेज़ उसमें पानी बह रहा होता है। उसको ना बड़ा डर लगता है, उसको ये लगता है ना कि अगर मेरा हाथ छूटा या फिर पेड़ के साथ कुछ गड़बड़ी हुई, तो मैं सीधे नीचे गिर जाऊँगी, और तो और बड़ा चीज़ खतरनाक हो जाएगी फिर, और अंधेरी, क्योंकि भाई जंगल पैसी पहाड़ों में बहुत होता है। और उसको ये लगता है ना, बस इस समय एक ही चीज़ ज़रूरी है कि कंसंट्रेट करूँ कि मुझे छाता कैसे लेना है। वो फटाफट बिल्कुल जो हम वहाँ पे होता है पेड़ होता है उसके बिल्कुल चोटी पे चढ़ जाती है, पेड़ के वो सबसे ऊपर, और ना अपने अम्ब्रेला को कोशिश करती है कि अम्ब्रेला मेरे हाथ में आ जाए। वो नहीं चाहती कि ना अपने हाथ ज़्यादा दूर रखे या फिर कुछ ऐसा अपने हाथों से मूवमेंट कर दे कि और उसका छाता और नीचे चला जाए। अब जब वो अम्ब्रेला को कोशिश कर रही होती है ना उसका छाता को वापस लेने की, इतने में क्या होता है ना, हल्की सी हवा चलती है और जो छाता होता है ना वो नीचे गिर जाता है, जो कि शिशौण के पेड़ होते हैं, जो कि आपने सुना होगा कि एक पेड़ होता है शिशौण का, पहाड़ों में शिशौण कहते हैं, और वो जब लगता है ना तो उससे खुजली होने लगती है। तो अब जो वो छाता होता है ना उसका वहाँ नीचे गिर जाता है। अब जो बिन्या होती है ना वो हल्के हल्के नीचे उतरती है। अब लगभग 20 मिनट के बाद ना जब वो नीचे आती है, तो अपना वो क्या करती है, जहाँ पे शिशौर के पेड़ लगे होते हैं वो वहाँ पे जाती है और अपना छाता लेती है। तो जितने भी उसके कांटे होते हैं ना, वो उसके लग चुके होते हैं पूरी टांगों में, लेकिन उसको पता था कि भाई जो शिशौर के पेड़ है ना, उससे उसको कुछ भी नहीं होता। ये उसके शायद उसके खून में था ऐसा, कि भाई उसको कोई भी खुजली उजली कुछ भी नहीं होता था ऐसा, जबकि जो बिज्जू था ना उसको बर्रैया काट लेती थी या फिर, तो तब भी उसको कुछ नहीं होता था, दोनों भाई बहन ऐसे थे। तो इस तरीके से ना उसको अपना छाता मिल जाता है। तो ये था इसका चैप्टर 2, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।